हाँ जी, हुन साढ़े सोल्यूशन शुरू होंगे। असी अपने सेमिनार दे उन सोल्यूशन वाले पार्ट विच डायग्नोज भी कर लिया और डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर भी समझ ले और अपने सिम्टम्स नू समझण तो बाद हुन असी उहदा डायग्नोज सोल्यूशन समझ रहे हैं। असी आम तौर पर कहिंदे आ सुखमनी साहिब विच पढ़दे आ, बंधन तोड़ पए निर्वैर। बंधन केड़े? क्या माँ प्यो पति पत्नी बच्चों नाल बंधन तोड़ लिए इसनों कहते हैं? नहीं, अपने अवगुणा दे बंधन तोड़ने। अवगुणा दे बंधन नूं तोड़ाने वास्ते मनु एक बल चाहिए है। अवगुणा की एक कड़ी 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 जुड़ जुड़ के एक जंजीर बनती है। इस जंजीर की एक एक कड़ी नूं तोड़न वास्ते मनु बल चाहिए है। उन्होंने कहते हैं बल होवा बंधन छुटे। बल है सतगुर की मत का बल मेरे को होएगा ता है मेरा बंधन छुटे। मेरे अवगुणा तो बल हुआ बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए। पर मेरे को बल नहीं सी ता बंधन आया सी। ओनू कहंदे ने बल छुट के हो। अगर मेरे को विजडम नहीं है, अगर मेरे को सच दी अकल वाला बल नहीं है, बल छुट के हो, बंधन पर है, बंधन पै जांदा है किदे नाल? अवगुणा नाल, हिपोक्रेसी नाल, दिखावे नाल। बल छुटक्यो बंधन पर है, कछु ना हो तू पाए। वर्सेस जे मेरे को बल हुआ बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए। हो सकता है पर मैनू सतगुर की मत लेनी है। इस करके असी हुण अपना बंधन छुड़ाने वास्ते अपना सोल्यूशन आज सीख रहे हैं। जी ਆਪਣੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। फर्स्ट पॉइंट, यात्रा कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी? जब मैं ये पहले मानूं कि मैं पाखंडी हाँ। अगर ये मैं मानता ही नहीं कि मैं पाखंडी हूं तो मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। इस बंधन से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और अगर मैं मान लूं कि मैं पाखंडी हूं तो मैं बंधन से छूटने वाले रास्ते पर पड़ूंगा और पाखंड से जो मैं दुखी होता हूं मैं उससे छूटूंगा। बड़ा बारीक होता है पाखंड। मैं सुनिया सी एक बंदा कहिंदा है मैं लिखारी हाँ, किताबा लिखदा। फलाने बंदे के पास मैं गया, उसने मेरी किताब लेने से इनकार कर दिया। कितना वो आकड़ खान और घमंडी है, मेरी किताब लेने से उसने मना कर दिया, तुम्हारी किताब मैं नहीं लूंगा। अब इसने उसके उसको बोला, उसके साथियों ने उसे कहा आप पागल हैं, आपने गलती की, वो सारी पब्लिक में आपको बदनाम कर रहा है कि आपने उसकी किताब नहीं ली। पता है उन्होंने दसन वाला की कहंदा है ले लेनी थी, चुप करके रख देनी थी, ना पढ़ते। सासों कहते बहुत बारीक पखंड है। और जेड़ा सरेआम कहता मैंने तुम्हारी किताब नहीं लेनी, वो थोड़ा शरीफ है। वो बहुत खतरनाक पखंडी है जो कहता किताब ले लेनी सी, लेके बस चुप करके रख देनी सी, ओदा मुंह रख लेना सी। दिस इज शियर हिपोक्रेसी। बड़ी खतरनाक, बड़ी डीप हिपोक्रेसी है। बंधन मुक्त होने वास्ते ना पहला मनना पेगा कि मैं पखंडी हाँ। नेक्स्ट, धर्म सानू औगुणा कमियां विकारां दे बंधन तो मुक्त करवाउंदा है। सो हुण धर्म सानू यह सीखना है कि धर्म मैनू मेरे अवगुणा तो छुड़ाता है। धर्म मैं मजहबी मुखौटा लगा के दुनिया नाल कम्युनल हेटरेट करन वास्ते, लड़ाइयां वास्ते नहीं है। धार्मिक चिन्ह पिछे लड़ते रही है लेकिन अंदर मेरे धर्म हो ही ना। धर्म का यूज करना है आई हैव टू बी स्पिरिचुअल, नॉट आई हैव टू बी क्रूअल। सो धर्म का बेस्ट यूज की है कि मैं अपने अवगुणा नु डायग्नोज कर सका। नेक्स्ट, बच्चा पाखंडी नहीं होंदा पर ज्यों ही पाखंडी बनता है धर्म उठ जाता है, पाखंड का मखौटा लग जाता है। हाँ, उसी वेले मास्क लग जाता है थे। जी, पाखंडी चोले की पहचान करके उस तो छुटना ही पाखंड दे बंधना तो मुक्त होना हाँ, है। हुन मैनू पाखंडी चोला पै गया, पाखंडी मुखोटा लग गया, पर इनू मैं पछाणा जे मैं पाखंड तो छुटना चाहता।
है ना। कई लोग की करेंगे तुहाडे नाल बहस करेंगे, तुसी एक गल करो दो सुनाएंगे, बहस अंबासा करेंगे, लेकिन जिथे उन्होंने समझ आ जाएगी इस गल विच दरअसल मैं रोंग हाँ, तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे। तुसी बोली जाओ सुनी जाएंगे, तुसी बोली जाओ सुनी जाएंगे, बिल्कुल चुप वट लेंगे। उन्हों की चुप्पी अंदर भी हिपोक्रेसी होती है, चुप्पी अंदर मीसनापना होता है। यह जो चुप्पी और मीसनापन है ना, यह हिपोक्रेसी बड़ी खतरनाक है। उस वेले बस चुप रहना, मक्कर मार जानी, दिस इज हिपोक्रेसी। हाँ जी, अपने औगुणा की जंजीर एक एक कड़ी नू पछाड़ना अते धर्म का बल वरत के मुक्त होना ही असल बंधन मुक्त है। हाँ, ये असी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, धर्म साडा औगुणी सुभा ठीक करता है, इट इज रियल लिबरेशन। हाँ, यह रियल लिबरेशन है कि मैं अपने अवगुण छुड़ाता हूँ, वो वास्ते धर्म है। सानू महसूस करना चाहिए है कि मैं अवगुणा की जंजीर गुलामी गुलाम हाँ, ता कन्ना की स्रोत रसना की बोली। सो मेरे कन्ना की स्रोत मीन्स मेरे सुनन की एक्चुअल क्वालिटी खराब हो गई जे मैं हिपोक्रेट हाँ, हिपोक्रेसी की जंजीरी विच हाँ बनया होया। पहला कन्ना की स्रोत खराब हुई, फिर अखां दा वेखना सब ठीक हो जाएगा, रसना की बोली भी खराब हो गई और अखां दा देखना भी बदल गया, सारा कुछ खराब हो गया। अखी सूतक, कन्नी सूतक, सारी जगह मेरे सूतक पै गया, अपवित्र हो गया मैं। वितकरे मुकदे हन, नतीजतन दिलां विच पाखंड मुकदा है, एहो हलेमी राज हिरदे विच स्थापित हुंदा है। हाँ, ये सोल्यूशन है, इहनूं हलेमी राज कहिंदे ने, कि जदों मैं किसी नाल वितकरा ना करा और नफरत ना करा, तां दिलां विचों जदों वैर मैं कढ दिंदा, उहनूं कहिंदे ने बंधन तोड़ पए ने वैर। एक आम कह दिता जांदा जी, जिहड़ा भगत हुंदा ना उह रब दे बंधन तोड़ा लैंदा, उह कहिंदे मेरी बांधी भगत छुड़ाए। इस तरीके नाल बड़े सारे इस तरीके दे शब्द कोट कीते जांदे ने, पर जे मैं सच नाल जुड़ता हाँ, इहनूं कहिंदे ने भगत। विणगुण कीते भगत ना होए, चंगे गुणा नाल जुड़ना और चंगे गुणा दे नाल अवगुणा तो बंधन तोड़ाना, इहदी गल चल रही है। मैं अपने अवगुणा की जंजीर आप बन्नी सी, उहदा क्रिएटर मैं हाँ, और सच की भगती नाल जुड़ा तो मैं अवगुणा तो छुटांगा। जी नैक्सट, धर्म बंदश जां दूजियां ते गलबा पाउणा नहीं सिखाउंदा। हाँ, धर्म यह नहीं सिखाता दूजियां नूं बंदिश विच रखो, धर्म यह नहीं सिखाता कि दूजियां ते गलबा पा के धर्म के नां हेठां दूजियां नूं डोमीनेट करके रखो, यह धर्म नहीं सिखाता। मनुख नूं अवगुणा कारण कुआरी दा ज्ञान विवेक बुद्ध राही देंदा है। हाँ, धर्म एक्चुअली कॉमन डिवाइन इंटलैक्ट देंदा, इहनूं विवेक बुद्धि कहिंदे ने, विवेक कहिंदे ने। धर्म यह सिखाता मनुख नूं ताकि अपने अवगुणा नूं देखण दी अकल आ जाए और फिर अवगुणा तो छुट्टे, इहनूं धर्म कहिंदे ने। अते हल सुझाउंदा है तां जो पाखंड तो छुटकारा मिल सके। यस, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पया तह कर्मे नाश। कर्मे नाश। नेक्स्ट, बाहरले सुख आराम ले धर्म वर्तना ही गुलामी है, बंधन है। जदों असीं धार्मिक स्थान ते जाके कहिंदे आ मेरे को कार दे दो, मकान दे दो, ये जे दे दो, पुत्र दे दो, एयर कंडीशन दे दो, ये कामयाबी दे दो, तां धर्म नूं असीं मिसयूज कर रहे हां, इह पाखंड है। धर्म राही अवगुण मेटने धार्मिकता है। हाँ, पर अमीर दे दुख पुत्र प्राप्ति अते गरीब दी गरीबी दूर करन ले धर्म वर्तना निरा पाखंड है, इसी तो बंधन मुक्त होना है। हाँ जी, ये सारा ना पाखंड चल रहा है, इस तरह नहीं है, क्योंकि रब जी की दुनिया में कोई अमीर गरीब होता ही नहीं, रब की दुनिया में कोई मूर्ख सियाणा होता ही नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्ता सब कुछ तेरा पाणा। रब की दुनिया में रब जी किसी नूं और किसी नूं गरीब बनाते ही नहीं है, इहदा मतलब किसी नूं अमीर बनाने वास्ते धर्म यूज नहीं किया जा सकता, किसी गरीब नूं अमीर बनाने वास्ते धर्म यूज नहीं किया जा सकता। पर जब धार्मिक स्थान पर यह बोला जाता है ये अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि ये जब गरीब थे
इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी सेवा की और इन्होंने यहाँ पर ये प्रसाद चढ़ाया और इन्होंने यहाँ पर संगमरमर लगवाया और अपने बच्चे के मुंह से रोटी निकाल के और इन्होंने यहाँ पर आके बांट दी। देखो ये ऐसे अमीर बन गए। अब ये तो अमीर बन गया पर बाकी सारे गरीब सोचते हैं मैं भी इसी धार्मिक स्थान पर जाऊंगा, मैं भी यहाँ पर ऐसे ही करूँगा, अपने बच्चे के मुंह से भी ग्राही निकाल के किसी और गरीब को नहीं दूंगा और यहां चढ़ा दूंगा क्योंकि मैं भी ऐसे अमीर बन जाऊंगा। दिस इज पखंड, दिस इज झूठ के ये अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि ये पिछले जन्म की किस्मत करके कर्मों के भागों से बने हैं। धार्मिक स्थान पर यह पखंड पढ़ाया जाता है। और तुम अगर गरीब हो, तुम अगर धर्म को अपनाओगे तो तुम भी ऐसे अमीर बन जाओगे, नहीं तो तुमने पीछे धर्म नहीं कमाया था इसलिए यहां पर गरीब हो। यह भी धार्मिक स्थान पर पढ़ाया जाता है पखंड। सो धर्म सानू ए दुनियावी बाहरी कामयाबियां दे बदले मेरे अवगुण तो छुड़ाता है, बंधन मुक्त कराता है। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन विद गॉड, रब नू अरदास करना कि मैं अवगुणी पाखंडी जंजीर ते बंधन विच हाँ, आपा समर्पण ही पाखंड दे बंधन तो मुक्ति दी शुरुआत है। हाँ, डेली अपने गॉड नाल गल करनी है, मैनू सुमत बख्शो मैं क्यों थिड़क जाता हाँ, मैनू सिखाओ कि मैं हिपोक्रेसी ना करया करा। दिस इज रियल प्रेयर विद गॉड, ए असलियत ही चढ़दास है जी। अवगुण छड़न लई मन दी मत दा पर्दा चुकन लई निशंग होण दी दलेरी करनी। हाँ, आपने अवगुण जाके उत्थे रखने, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर, उनकी कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप तर, अपने अवगुण रख। दिस इज रियल वे टू हैव द प्रेयर। दिस प्रेयर गोज थ्रू एज प्रेयर इच कोई लग लपेड़ ना ना होवे, ए प्रेयर दे पंखी उड़ सकते ने, रब दे देश तक जा सकते ने, पर तेरी प्रेयर दे अंदर ते तेरा बैग ढेर सारी डिमांड्स दा ही भरिया होया, पंखी उड़ ही नहीं सकता। अपने अवगुण रब अगे रखना समर्पण तो बंधन मुक्त होन तक दी यात्रा है। अखौती खुशी कामयाबी शौहरत पिछे दौड़ना पदार्था दी मुथाजी आदि नाल ही पाखंड दे बंधन शुरू होंदे हन, इस तो बंधन मुक्त होना है। मन कर कभू ना हर गुण गायो, अगर असी धर्म नू ध्यान नाल सुन लिए, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, तां फिर धर्म तो असी धर्म नू यूज करके बंधन मुक्त हो जाएंगे अपनी हिपोक्रेसी दे।